सप्तमी विजेते स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की हीरोइन के सूत्र से जुड़ी हुई कुछ सवाल हैं जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो शुरू करते हैं क्लास को। इसमें पहली सवाल है आपकी एनसीईआरटी से आपकी पहली सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। सवाल में लिखा है कि एक त्रिभुजा आकार का संकेत बोर्ड है ना, संकेत बोर्ड का जो आकार है, संकेत बोर्ड का आकार एक समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज के रूप का है, समबाहु त्रिभुज के रूप का है। और लिखा है कि इसका जो भुजा है, वह ए सेंटीमीटर के रूप में है, ए सेंटीमीटर के रूप में है और इसका परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। कह रहा हीरोइन का सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। शुरू करते हैं सवाल को। परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो शुरू करते हैं इस सवाल के सॉल्यूशंस को। ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ए आकार की है तो तीनों भुजाएं ए आकार की होगी। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो a+a+a, तो ये तीनों ये कहाँ से आए, यह त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जो कि उसने दिया हुआ है, बराबर 180 सेंटीमीटर। हल करेंगे इसे तो तीनों a का योग हो जाएगा, 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। a बराबर क्या होगा, यहाँ पे तीन के साथ गुणा है, तीन पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा, तो 180 बटे 3 डिवाइड करेंगे तो इसका हल आएगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहली भुजा हो गई 60 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हीरोइन का जो सूत्र होता है उसमें यस की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है सेमी पर मीटर की, तो क्या होता है परिमाप का आधा होता है। परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब आते हैं हीरोइन के सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा कड़ी में यस, कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। मान रखते हैं तो यहाँ पर यस का मान है 90, जो मैंने निकाला है अभी पहले पेज पे, यस माइनस ए। एक भुजा हो जाएगी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की, समबाहु त्रिभुज है तो दूसरी भी 60 ही रहेगी, तीसरी भी 60 ही रहेगी। कल करेंगे 90 माइनस 60 यानी 30 आएगा, दूसरे कोष्टक में भी 30, तीसरे कोष्टक में भी 30। तो इस
को हम हल करेंगे। ये तीस दो का युग्म है, बाहर आ जाएंगे तीस, और यहाँ पे ये नब्बे को हम लिख सकते हैं तीस गुड़े तीन, और ये वाला तीस, तीस गुड़े तीन नब्बे में का, और ये वाला तीस बाहर आएंगे। तो अंदर रह जाएगा करड़ी में तीन, हल कर देंगे। तीस और तीस का गुड़ा 900 हो जाएगा, 900 करड़ी में तीन। क्षेत्रफल को हमेशा हम वर्ग इकाई में लिखते हैं, यहाँ इकाई सेंटीमीटर है, तो 900 करड़ी में तीन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगली सवाल की तरफ, एनसीईआरटी के प्रश्नावली से सवाल नंबर दो पर। कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया होगा बताइए। तो आते हैं, लिखा हुआ है कि त्रिभुजाकार दीवार है, दीवार की भुजाई दिया है, तो मान के चलेंगे ए बराबर 122 मीटर तथा बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। ये तीनों भुजाओं की क्या हैं, लंबाइयां हैं, जो त्रिभुज की हैं, बुक में ऐसा दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे, यस निकालेंगे, तो त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे, 122 प्लस 20 प्लस 120 बटे दो, हल करेंगे इसे तो आएगा 2 2 2 4 2 6 एक एक दो, 262 बटे दो, हल करेंगे, एक भाग देने पे आ जाएगा 131 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने यस निकाल लिया। यस क्या होता है, तीनों भुजाओं की जोड़ का आधा सेमी पर मीटर, अर्ध परिमाप। अब इसके बाद हीरोन के सूत्र से चलेंगे। लिखेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बराबर अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, एक कोष्टक में यस माइनस बी, एक कोष्टक में यस माइनस सी। ठीक है, इसी में मान रखेंगे, यस का मान हमने निकाला है 131 सेंटीमीटर, कोष्टक में 131, ए का मान 122 है, फिर यस का मान 131 माइनस 22, फिर आगे चलेंगे 131 माइनस 120, ये सी का मान है। तो हम हल करेंगे, एक सौ इकतीस घटाएंगे तो आएगा 9, इस कोष्टक में घटाएंगे तो 11 से 2 गया 9, बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 109, इस कोष्टक में घटाएंगे तो 11 आया। इसको हम हल करेंगे,
इसका क्षेत्रफल आएगा करोड़ी में हल करने के बाद उत्तर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल निकल गया है। ये कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। वार्षिक किराया, वार्षिक किराया बराबर 5000 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक मीटर स्क्वायर में उसको 5000 रुपया मिल रहा है वर्ष का, और हमसे उसने 3 महीने का पूछा है। एक वर्ष में 12 महीने होता है, तो 12 महीने में उसे 5000 रुपया मीटर स्क्वायर मिल रहा है, तो हम निकालेंगे एक महीने का किराया। एक महीने का किराया उसने एक वर्ष का दिया है हमें, एक महीने का पहले निकालेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये एक महीने का इनकम हो गया। आगे चलते हैं। अब उसने हमसे पूछा 3 महीने का किराया बताइए, तो 3 महीने का कंपनी के द्वारा किराया दिया जाएगा। 3 महीने का किराया बराबर 1320, सॉरी 1320 का है क्षेत्रफल का, इसने एक मीटर स्क्वायर का दिया था, हमें ज़्यादा मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो हम गुणा कर देंगे 1320 गुणे 5000 गुणे बटे 12 गुणे 3 महीना। अब इसको हल कर देंगे, तो 12 से 1320 में भाग देंगे, जाएगा यहाँ पे 110 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 110 गुणे 5000 गुणे 3, इसको हल करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 165 11 25 55 365 402 3 400, ये आ गया इतना रुपया किराया मिलेगा कंपनी के द्वारा। ये सवाल लग गई, चलते हैं अगली सवाल की तरफ। तीसरी सवाल है इसमें एनसीईआरटी की बुक से, कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कह रहा है इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। मान के चलेंगे कि 3 भुजाएं हैं उसकी, पहली भुजा ए बराबर 15 मीटर 11 मीटर
और सी बराबर 6 मीटर। सी बराबर 6 मीटर। तो त्रिभुज की वो तीनों भुजाएं हो गई। अब हम यस निकालेंगे तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 15 है, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। हल करेंगे 15 11 26 6 32 बटे 2, 32 बटे 2 का मान आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, आप इसको जोड़ के भाग कर सकते हैं। अब आते हैं इस रंगे हुए पेंट का जो भाग है, क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, है ना। रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा क्या, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये हो गया सूत्र हमारा। यहाँ पे यस का मान हमने निकाला है 16 मीटर। यस 16 माइनस 15 मान रख रहे हैं हम सभी का, 16 माइनस 11 16 माइनस 6 अगले पेज पे चलते हैं। बराबर कड़ी में 16 में से 15 को घटाएंगे 1, 16 में से 11 को घटाएंगे हम 5, 16 में से हम 6 को घटाएंगे तो 10। ठीक है, इसे हल करेंगे। 16 और 1 का गुणा 16 ही होगा, 5 और 10 का गुणा हो जाएगा 50। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 50 का 25 गुणे 2, इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 2 क्या होगा, कड़ी में ही रहेगा क्योंकि उसका युग्म ही नहीं बन पा रहा है, तो गुणा कर देंगे 4 और 5 का, तो 5 चौके 20, कड़ी में 2, 20 कड़ी में 2, सॉरी ये मीटर में दिया हुआ है। इसका जो इकाई है मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल गया। हम लिखेंगे इसमें कि रंगे हुए पेंट के भाग का जो क्षेत्रफल है 20 कड़ी में 2 मीटर स्क्वायर है। चलते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावली कि जो तीसरी के बाद चौथी सवाल है क्या कह रहा है। चौथी सवाल कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर था, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। उसने दे दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर इसने दिया ही नहीं है, सी बराबर सी ही लेके चलेंगे। आगे चलेंगे इसका परिमाप, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसने दिया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रखेंगे ए का 18 प्लस बी का 10 प्लस सी बराबर पता नहीं, तो सी रखते हैं 42, 18 10 28 इसको ले चलेंगे उधर जोड़ के 42 माइनस 28, मैंने 18 और 10 को जोड़ा 28 आया। 28 को हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर 42 में से 28 को हम घटाएंगे तो पाएंगे 14 सेंटीमीटर। तो सी का मान हमें मिल गया, सी का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें।
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर हमने अभी निकाला है 14 सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र में यस की भूमिका होती है जो अर्ध परिमाप होता है, तो यहाँ यस बराबर क्या हो जाएगा 42/2। सर 42 कहाँ से आया, तीनों भुजाओं का योग 42 होगा और इसने पहले से ही जोड़ दे दिया था परिमाप, यानी परिमाप का आधा, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में यस यस माइनस ए, दूसरे क्वेश्चन में यस माइनस बी, यस माइनस सी। मान को हम पुटअप करेंगे तो यस बराबर हमें मिला है 21 सेंटीमीटर, 21 माइनस ए, ए बराबर है 18, यस बराबर 21 माइनस बी, बी का मान है 10, दूसरे क्वेश्चन में यस का मान 21, सी का मान हमने खुद निकाला 14। इसे हल कर देंगे 21 में से 18 को घटाएंगे 3, 21 में से 10 को घटाएंगे 11, 21 में से 14 को घटाएंगे 7। ये सब हम इधर से घटा रहे हैं जो है ना मान, आगे चलेंगे 21 × 3 × 11 × 7। इसका आप वर्गमूल ले लेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। इक्कीस को हम लिख सकते हैं 7 × 3, इसका अभाज्य गुणनखंड करें 3 × 11 × 7, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 के दो युग्म बन रहे हैं और 3 के दो युग्म बन रहे हैं, तो दोनों युग्म मिल के एक बाहर आ जाएंगे, अंदर बच जाएगा 11। 7 और 3 का गुणा कर देंगे 21, कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सवाल लग गई, आगे चलते हैं एनसीईआरटी की सवाल नंबर 5 से। पांचवी सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जब अनुपात दिया रहता है ना तो उसमें से किसी एक सामान्य जो कॉमन नंबर होता है उससे हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो हम मान लेंगे, अब हमें पता नहीं होती है कि कौन सी संख्या से हमने क्या किया है, कॉमन करके भाग दिया, इसलिए हम क्या करेंगे यक्ष के साथ इन तीनों अनुपात में गुणा करके भुजा ज्ञात करेंगे। लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर अनुपात है 12 तो 12 यक्स, बी बराबर दूसरा अनुपात है 17 तो 17 यक्स, सी बराबर अनुपात है 25 तो 25 यक्स। ये हो गई इसकी तीनों भुजाएं, ठीक है। इसने परिमाप दे रखा है पहले से ही ना, यानी तीनों भुजाओं का योग जो परिमाप होगा वह 540 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का हम योग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखा हमने बराबर 540, तो ये तीनों भुजाओं का योग है, परिमाप है जो इसमें सवाल में दिया हुआ है। ए का मान है 12,
यक्स प्लस 17 यक्स प्लस 25 यक्स बराबर 540। जोड़ेंगे हम इन्हें तो 12, 17, 29, 25, 54 यक्स आएगा। इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो 54 यक्स आया। 12 यक्स, 17 यक्स और 25 यक्स को हमने जोड़ा तो आया 54 यक्स। तो 54 यक्स बराबर 540। तो हम यक्स का मान निकालेंगे, 54 को पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा तो गुणा के रूप में, तो जाके भाग हो जाएगा, 540 बटे 54 बराबर 10 आएगा। तो यक्स का मान मुझे 10 मिला है। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी, 12 यक्स यानी 12 गुणे 10, 17 यक्स यानी 17 गुणे 10 और सी जो है 25 गुणे 10। तब लिखेंगे, तब त्रिभुज की भुजाएं, तब त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, बी बराबर 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, सी बराबर 25 गुणे 10। इस अनुपात में हम यक्स से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 250 सेंटीमीटर। तो ये हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गईं। अब क्या करते हैं, यस निकालते हैं। तो यस क्या होगा, परिमाप का आधा, परिमाप दिया है 540, तो 540 का आधा 270 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्षेत्रफल के सूत्र से। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप जान चुके हैं अब तक बकायदे, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसी में आप मान रखेंगे और इसे खुद हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।